हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं वो कौन था। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो दोस्तों, आज की कहानी मनीष जी नाम के व्यक्ति की है जो आरा जंक्शन से विद्यासागर अपने बचपन के दोस्त किशोर जी से मिलने जा रहे थे। ट्रेन अपने निर्धारित समय से बहुत लेट चल रही थी। तब मनीष जी अपने दोस्त किशोर जी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि ट्रेन बहुत लेट चल रही है। यह सुनकर किशोर जी बोलते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने स्टेशन आ जाऊंगा। ट्रेन रात के 1:30 बजे विद्यासागर स्टेशन पहुंचती है और मनीष जी विद्यासागर स्टेशन उतर जाते हैं। मनीष जी के अलावा और कोई भी विद्यासागर स्टेशन पर नहीं उतरता। मनीष जी स्टेशन पर उतरकर पास ही के बेंच पर बैठ जाते हैं और अपने दोस्त किशोर जी को फ़ोन करते हैं। तब किशोर जी मनीष जी से कहते हैं कि बस मैं पहुंच ही रहा हूं। जैसे ही मनीष जी फ़ोन काटते हैं तब उनकी नज़र एक औरत पर पड़ती है जो रेलवे ट्रैक पर बैठकर रो रही होती है। इतने में मनीष जी देखते हैं कि उसी ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही है। यह देखकर मनीष जी जोर से चिल्लाते हैं और उस औरत को वहाँ से हटने को कहते हैं। मनीष जी के बहुत चिल्लाने के बाद भी वह औरत वहाँ से टस से मस नहीं होती और इतने में ट्रेन उसके ऊपर से चली जाती है। ट्रेन के जाने के बाद मनीष जी देखते हैं कि वह औरत उसी तरह बैठी हुई है जिस तरह बैठी हुई थी। यह देखकर मनीष जी बहुत डर जाते हैं और पसीने से लथपथ हो जाते हैं। और तब तक पीछे जी किशोर जी की आवाज़ आती है, अरे मनीष, तुम हो क्या भाई? यह सुनकर मनीष जी अपने दोस्त के पास चले जाते हैं। मनीष जी को घबराया देखकर किशोर जी पूछते हैं कि मनीष, तुम इतने घबराए क्यों हो? तब मनीष जी अपने साथ घटित घटना बताते हैं और यह सुनकर किशोर जी कहते हैं कि यह एक सच्ची घटना है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं और मैं आर्यन मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।